हेलो एवरीवन। तो गाइस आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स की टीम का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट होगा। उससे पहले आरआर की टीम ने अपना एक और प्रैक्टिस मैच खेला है और इस प्रैक्टिस मैच में कई खिलाड़ियों की बढ़िया बढ़िया पहुंच आई है। क्या कुछ इस प्रैक्टिस मैच में हुआ है, किन किन खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, क्या कुछ स्कोर कार्ड है, इसके बारे में आज की स्टूडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आईपीएल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आईपीएल का सेकंड मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाएगा, जहां पर मैं अपनी फैंटेसी स्किल्स का प्रयोग कर विंजो पर हजारों लाखों रुपए कमाने वाला हूं। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो, आपको भी फैंटेसी क्रिकेट में हजारों लाखों रुपए कमाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में विंजो ऐप की लिंक दी गई है, वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, विंजो ऐप को डाउनलोड कीजिए और 50 रुपए का वेलकम बोनस भी पाइए। और अगर आपको टीम चेंजेस वगैरह, प्लेयर इंजरीज वगैरह का डर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विंजो फैंटेसी वॉर पे सपोर्ट करो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम को, जिससे आप कैश रिवॉर्ड भी जीत सकते हो। इसमें जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा 50% है। मैच के बाद आप अपनी विनिंग्स विड्रॉल भी कर सकते हो सीधे पेटीएम बैंक अकाउंट या यूपीआई से। डाउनलोड करो विंजो ऐप को मेरे लिंक से और पाओ 50 रुपए का बोनस कैश भी। और इस मैच में कुछ इस प्रकार की दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 होने वाली है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एमआई और डीसी की प्लेइंग 11। तो दोस्तों ये दूसरा मैच खेला गया था राजस्थान रॉयल्स की टीम का, इंटर स्क्वाड मैच था, इनका प्रैक्टिस मैच था। एक तरफ टीम ब्लू थी, एक तरफ टीम पिंक थी। और दोस्तों टीम ब्लू ने सबसे पहले बल्लेबाजी करी थी और टीम ब्लू की तरफ से जिस खिलाड़ी का बढ़िया प्रदर्शन रहा था बल्लेबाजी में, तो वहां पर नाम आता है शिमरॉन हेटमायर का। काफी बढ़िया इन्होंने बल्लेबाजी करी थी, 56 रन बनाए थे 34 बॉल्स में। बहुत ही अच्छे ये फॉर्म में नजर आ रहे हैं, काफी बढ़िया ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पिछला जो लास्ट प्रैक्टिस मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स की टीम का, उसमें भी इन्होंने बढ़िया 70 रनों की इनिंग्स खेली थी। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि शिमरॉन हेटमायर बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ये डेफिनेटली प्लेइंग 11 में खेलते हुए हमें नजर आएंगे ही आएंगे। वहीं पर करुण नायर ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी है, जहां पर 30 गेंदों में 42 रन इन्होंने बनाए थे। करुण नायर भी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में भी बढ़िया इन्होंने रन बनाए थे और दोनों प्रैक्टिस मैच भी इनके अच्छे रहे हैं। अनुनय सिंह ने 2 विकेट लिए थे 11 रन देकर और टीम ब्लू 186 पर 6 थी 20 ओवर के बाद। वहीं पर टीम पिंक की जब बल्लेबाजी आई तो वहां पर रियान पराग ने गजब का प्रदर्शन किया। इस बार उन्होंने 43 बॉल्स में 88 रन की इनिंग्स के लिए काफी बढ़िया ये फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रियान पराग पिछले कुछ टाइम से काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहा है, जहां पर रणजी ट्रॉफी में भी इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, गेंदबाजी करी थी, वहीं पर दोनों ही प्रैक्टिस मैच में इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी करी है। राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए ये खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस सीजन में। और आरआर की टीम के लिए अच्छी खबर है कि रियान पराग काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहा है। शुभम गढ़वाल ने भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 6 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए थे और रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच में 4 ओवर में 16 रन दे के 2 विकेट्स लिए थे। तो कुछ ये स्कोर कार्ड था और टीम पिंक ने ये टोटल आसानी से चेज कर लिया था। आरआर की टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि रियान पराग बहुत ही बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं, शिमरॉन हेटमायर भी बहुत बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों पे काफ़ी निर्भर करेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम की। यहाँ पर फिनिशिंग डिपार्टमेंट ये दोनों ही संभालने वाले हैं। तो आरआर की टीम के लिए अच्छी खबर है, दोनों खिलाड़ी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं, करुण नायर का भी फॉर्म अच्छा लग रहा है। तो आपकी क्या राय ये इन सभी प्लेयर्स को लेकर, वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको आईपीएल से रिलेटेड और भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेगी।